ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਜਾਏ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ Hello everyone, this is Vivek Sharma and you are watching my channel Being Vivek Sharma. Actually, what happened? So, पहले शुरू करने से पहले ये बताता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगी तो और हाँ और शुरू करते हैं फिर सो मैं ये बताना चाहता हूँ यार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत ज़्यादा सैड हूँ एक्चुअली देखो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि किसी को बुरा नहीं मानना है अगर किसी को बुरा लगे तो आई रियली अपोलोजाइज आई एम सॉरी वैसे बुरा लगने वाली कोई बात है नहीं इसमें सो एक्चुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड हु इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ही इज़ लिविंग इन दिल्ली राइट नाउ सो उसने मुझे बताया कि एक्चुअली ही वेंट टू बाय सम ग्रॉसरी आइटम तो आपको पता है इंडिया जो है ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर टाइप के लोग रहते हैं गोरे काले लंबे पतले मोटे किसी की आंखें छोटी होती किसी की बड़ी होती है सो आंखें जिनकी छोटी होती है आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट पीपल सो ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड वो गया तो दो तीन लोग उसको मतलब बोलने लगे ओए कोरोना वायरस उसने मुझे बताया ही वॉज लिटरली सैड एंड मतलब रोया नहीं बस उसके आंखों से आंसू आ जाते उसने बोला कि उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप एक वीडियो बनाओ प्लीज़ इसके रिगार्डिंग सो मैं इसलिए बना रहा हूँ तो उसने मुझे बोला कि जो लोग थे दो तीन लोग थे उसको लिटरली चिंकी कोरोनावायरस चाइनीज़ मतलब यार क्या है यार और बता दूँ जो उस वो तीन भाई है उसके उसका एक भाई एयरफोर्स में है एक भाई डॉक्टर है एंड ही वॉज माई कलीग मतलब हम दोनों कलीग थे तो अच्छी बातचीत है मेरी बातचीत होती रहती है सो उसने मुझे बताया कि उसको ऐसा ऐसा लोग बोल रहे थे उसे बहुत बुरा लगा बहुत ज़्यादा बुरा लगा तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल है ना दे आर फ्रॉम इंडिया इंडिया की मिट्टी पे ही पैदा लिए हैं इंडिया की मिट्टी पे ही मरते हैं ठीक है आप लोग स्टॉप कॉलिंग देम चिंकी चाइनीज़ कोरोना वायरस एक बार बताऊँ नॉर्थ ईस्ट में कितने केसेस है कोरोना वायरस में बहुत ही कम नंबर से बहुत ही ज़्यादा कम नंबर से है सबसे ज़्यादा केसेस इधर साइड में है यहाँ से निकल रहे हैं सो उनकी क्या गलती है यार अगर देखो इंडिया में लुक्स वाइज तो देखा जाए तो आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे यहाँ पे छोटी आँखें हैं उनकी नॉर्थ ईस्ट के हैं तो ये तो इंडिया की खासियत मतलब सारे एक जैसे नहीं दिखते हैं ठीक है हर टाइप के लोग हैं इंडिया में सो अभी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ यार उनकी कोई गलती नहीं है इसमें और ना वो चाइनीज़ है यार आप लोग चाइनीज़ मतलब जो इंडिया का है उसे तो आप चाइनीज़ बोल रहे हो ठीक है और जो चाइना की चीज़ है आप उसको फुल सपोर्ट कर रहे हो वहाँ जाके नाच रहे हो आई एम टॉकिंग अबाउट टिकटॉक आप लोग टिकटॉक जिसे मतलब अनइंस्टॉल करना चाहिए मतलब चाइना का है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रखे है जिसने उसको आपने अपने फ़ोन में रखा हुआ उसको मोटा रेवेन्यू दे रहे हो आप लोग हैं और जो हमारे इंडियन भाई लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के भाई लोग हैं असम मेघालय नागालैंड उनको आप लोग बोल रहे हो कि दे चाइनीज चिंकी यार अब एक बार बताओ उसका उस पर क्या बीती जब उसका भाई इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करता है मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि उसने मुझे मना किया है नाम डिस्क्लोज़ करने से उसका भाई इंडियन एयरफोर्स के लिए काम कर रहा है उसका भाई डॉक्टर है आप लोगों की जान बचाता है इंडियंस की हैं और दिल्ली में और एट दी एंड उसे क्या सुनने को मिल रहा है चाइनीज रियली यार आई एम जो लोग जिसने भी उसको ऐसा बोला है ना अगर सच्ची में मैं मिल जाना तो मेरी तो लड़ाई हो जाएगी दे आर अनएजुकेटेड यार अपने इंडियंस होके अपने इंडियंस को चाइनीज बोल रहे यार क्या है यार मैं यार लुक से क्यों जज करते हूँ बहुत बुरा लगता है यार जब ऐसी बातें सुनने को आती है मैं ऐसी चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है बट ठीक है मेरे दोस्त के साथ हो सकता है किसी और के साथ भी हो रहा हो सो अभी हमें बताओ क्या करना है हमें करना है कि डोंट फाइट बी यूनाइट मतलब लड़ो मत एकजुट रहो यार उसको हम सबको एक साथ मिल के लड़ना है यार ऐसे बोलोगे आप एक दूसरे को क्या फ़ायदा होगा तो इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा
रल मिल रहोगे तो बनेगी गल, एक दूजे नाल लड़ना नी मसलिया दा हल, जेड़ा बीत गया पल वो लौट के नहीं आना, जिंद कीमती खजाना। करो ना, आपको इतना चाइना से आपको नफरत है तो करो, आप चाइनीज प्रोडक्ट को चाइनीज चीज़ों को यूज़ करना बंद करो, क्यों रेवेन्यू दे रहे हो? टिकटॉक पे जाके मैनू शीशा बड़ा छेड़दा गाने पे डांस कर रहे हैं, और यहाँ आप लोग अपने हमारे भाइयों को जो हमारे इस देश के मिट्टी से जुड़े हुए हैं आप उनको चाइनीज बोल रहे हो? दिस इज़ नॉट फेयर यार, दिस इज़ रियली नॉट डन। मतलब यार क्या है यार, आप लोग भी ना देखो, अगर आप लोग में से कोई भी मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानता है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट के पीपल हैं उनको यार ऐसी चीज़ें मत बोलो। ये जो वायरस है ये आ जाए, कल ख़त्म हो जाएगा, इसका जो अभी आप उन लोगों को बोलो, इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा, क्या होगा? इन फ्यूचर लड़ाई होगी ना इन सब चीज़ों से, आपस में लड़के मरने से अच्छा तो यार जिससे लड़ना है एकजुट होके, जो हमारे पूरी दुनिया पे कहर बरसा रहे उनसे लड़ो यार अब लोग। सो अभी मुझे यही कहना था, ठीक है, कि डोंट फाइट बी यूनाइट, एकजुट हो जाओ सारे, ठीक है, और घर पे रहो, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना यार, नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के नंबर तो यार बिल्कुल, मतलब अब जाके वहाँ बढ़ने लगे हैं, जब लोग दिल्ली से वहाँ गए हैं अब धीरे धीरे पता चला है, तो अब जाके नॉर्थ ईस्ट में नंबर्स बढ़े, नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ भी यार 0% नंबर्स हैं। सो लड़ो मत, एकजुट रहो, यही एक मैसेज देना था, और आप लोग आई होप कि आप लोग मेरी बात मानोगे, अगर मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई मानते हो तो ठीक है। और बाकी उन लोगों के लिए भी मैसेज है, शायद उन तक मेरी वीडियो पहुंचे जो लोग बोलते हैं चिंकी चाइनीज़। सो भाई लोग, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है, आप लड़ाई और करवा रहे हो एक दूसरे में, अपने घर में ही लड़ाई करवा रहे हो, बाहर के तो बाहर के लोगों से लड़ना दूर, आप अपने घर में ही लड़ाई कर रहे हो, अपने घर में लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर टूटता है, ये जो कंट्री है ना ये हमारा घर है, तो कभी आपने सुना है कि घर में एक दूसरे से लड़ने से घर टूटता है, सुना है ना ये? सो आप अपने घर में ही लड़ाई करोगे तो उनका भी मन खट्टा होगा, वो भी सोचेंगे यार दिल्ली के लोग, या दिल्ली बेंगलोर कहीं भी हो, मतलब दिल्ली बेंगलोर मुंबई महाराष्ट्र पुणे कहीं भी हो नॉर्थ ईस्ट के लोग, तो प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट क्या कहीं के भी हो यार, क्यों अपने कंट्री के लोगों को यार प्यार दो, इज्जत से रहो, इज्जत दो सबको यार, क्या रखा है इसमें। चलो, सो आई लव यू ऑल एंड पीस, ठीक है, और कुछ ये बोहिमिया सर की लाइनें हैं ये सुन लो। सब्सक्राइब रिच म्यूजिक स्टूडियोज राइट नाउ, ड्रॉपिंग हिज न्यू सॉन्ग।